वेलकम टू दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीमेल के द्वारा अनलिमिटेड मेल भेजना या जिसे कहते हैं बल्क ईमेल सेंड करना। तो आप बल्क ईमेल कैसे सेंड करेंगे? वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको कोई भी अपनी एक जीमेल की आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूशन आईडी यूज़ कर रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूशन आईडी यूज़ करें। मेरी इंस्टीट्यूशन आईडी है, मैं इंस्टीट्यूशन आईडी यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एक ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए किसी भी ब्राउजर में। मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्राउजर में उसको लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपनी जीमेल की आईडी यहाँ लॉगिन कर लिया है। फर्क क्या होगा कि अगर आप बल्क ईमेल भेज रहे हैं मेरे इस बताए हुए तरीके से, तो अगर आप जीमेल की आईडी यूज करेंगे तो 500 ईमेल बल्क में एक साथ भेज पाएंगे। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट ईमेल आईडी जो जीमेल ही देता है, जैसे मेरी है hamsingh@cdlu.ac.in, इस तरह की प्राइवेट ईमेल आईडी यूज करेंगे तो आप एक साथ में 2000 ईमेल भेज पाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बल्क ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल की आईडी से ब्राउजर में लॉगिन होना है, कंपोज में जाना है और सेंड में कोई ईमेल आईडी नहीं लिखनी, सब्जेक्ट लिखना है मेल मर्जर टेस्टिंग। आप यहां जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मैंने मेल मर्जर लिखा है। उसके बाद आपको यहां पे लिखना है मेल और दो बार ये ब्रैकेट लगानी है और यहां लिखना है आपने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड देन ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू करने हैं दो बारी और लास्ट नेम। इस टेक्निक से ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सेल शीट होगा वहां से डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद लिख देना जो आप कंटेंट देना चाहते हैं, प्लीज फाइंड अटैच, जैसे आप लिखना चाहते हैं प्लीज फाइंड अटैचमेंट तो आप लिख सकते हैं फाइंड अटैचमेंट। स्पेलिंग गलत हो गया तो राइट क्लिक करके सही कर लेते हैं। तो ये जो प्लीज फाइंड अटैचमेंट है ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। इतना एक मेल आपको ड्राफ्ट में बनाकर तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्लस साइन पे जाना है और गूगल्स जो आपकी आईडी है उसका गूगल्स खोल लेना है या जीमेल भी आप खोल सकते हैं। यहाँ ये जो डॉट्स आ रहे हैं इन पे जाना है और यहाँ पे आपको शीट ओपन कर लेनी है जो गूगल ड्राइव की ऑन द शीट होती है। ये उसी ईमेल आईडी से खुलेगी जिससे आप काम करना चाह रहे हैं। आपको एक ब्लैंक शीट ओपन करनी है, देन जो आपने कंटेंट दिए थे वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। जैसे प्राइमरी आपने लिखा था फर्स्ट नेम, यहाँ भी लिख दीजिए, देन यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम, देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ईमेल एड्रेस डाल देंगे और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अटैचमेंट और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेल स्टेटस। स्पेलिंग का कोई मिस्टेक हो रहा है, इस कॉलम को आप बना दीजिए मेल स्टेटस। तो इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और अटैचमेंट। ये आपको बनाने के बाद आपको यहाँ पे जो डेटा आपके पास एक्सेल में है, जो आपने बल्क मेल मान लो 500 लोगों का आपके पास डेटा है, वो 500 लोगों का डेटा आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ हेम सिंह, एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ मैं अपना ही दूसरा ईमेल आईडी जो जीमेल का है, मान लीजिए मुझे इसको भेजना है। आपके पास ये शीट जो बल्क ईमेल भेजते हैं उनके पास एक्सेल के अंदर ही शीट होती है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा सोनू कुमार और यहाँ पे मैंने अपना दूसरा ईमेल एड्रेस डाल दिया। और यहाँ पे हमें अब आगे हमें मेल इस तरह में कितने भी एंट्रीज हो सकती है, अगर जीमेल की आईडी है तो 500 और अगर दूसरी प्राइवेट ईमेल आईडी है जीमेल की पर्सनल तो 2000 मेल आप एक दिन में भेज सकते हैं। अब मेन चीज जो आपको करना है, आपको जाना है टूल में जाके एक्सटेंशन में एड ऑन में जाना है, गेट टू एड ऑन करना है और मेल मर्जर का एक सॉफ्टवेयर आपको एड ऑन कर लेना है। इसमें यहाँ आपको लिखना है मेल मर्जर, जैसे आप मेल मर्जर लिखोगे तो कंटेंट आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला मिर्को का जो सॉफ्टवेयर है ये आपको इंस्टॉल करना है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर नहीं होगा तो भी मैं करके दिखाता हूँ। इसको अनइंस्टॉल करें ऐप को और ये इंस्टॉल हो जाएगा।
फर्क बताता हूँ दोनों में क्या होगा। जैसे ये मेरे को आ गया, इसको इंस्टॉल कर लीजिए कंटिन्यू, और वहाँ पे जैसे ही ये आप कंटिन्यू करेंगे तो ये ईमेल आईडी का एक्सेस मांगेगा। तो ये मेरी ईमेल आईडी का मैंने इसको एक्सेस दे दिया। ये कुछ इसको पावर देनी पड़ेंगे इस टूल को, अलाउ करेंगे तो ये टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। देन डन करना है और इस पॉपअप विंडो को बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे, मगो नहीं दिखाई देता तो आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इस पॉइंट पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ आपको क्लिक करना है मेल मर्जर पर, तो जो आपने ड्राफ्ट में मेल रख रखी है ये उसको डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। दिखाते हैं, ये देखिए मेल मर्जर टेस्टर मैंने टॉपिक बनाया था, ये उसको उठा लिया इसने। ठीक है जी, यहाँ पे ईमेल की जगह आपका ईमेल वाला कॉलम डिटेक्ट हो जाएगा, ये वाला ईमेल। उसके बाद यहाँ आप सेंडर का मेरा नाम लिखा रहा, कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्टिंग मेल बल्क। यहाँ आप जो भी पार्टी को सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ट्रेस, ये ट्रेस भी करके बताएगा कि मेल गई कि नहीं गई, जाने के बाद उसने ओपन किया कि नहीं किया, ये एवरीथिंग ये बताएगा। अब बात आ गई मेल, यहाँ पे मेल आईडी आ गई, ये आ गई, ये काम तो वहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ पे हम कि 2000 मेल डाल सकते हैं, यहाँ लिखा भी हो रहा है, देखिए रिमाइंडिंग डेटा का होता, मैंने आज की दो पहले भेज दी थी, दो अब भेजने जा रहा हूँ, तो ये देखिए 2000 में से 98 आ रहा है। परंतु यहाँ कितनी भी मेल्स हो सकती है वो यहाँ डिटेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक मेल और डाल देता हूँ, राम कुमार, मेल आईडी है राम कुमार, ये आईडी मेरे पास नहीं है, मैं वैसे ही डाल के दिखा रहा हूँ जीमेल। जैसे मैं ये करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आपको अभी 3 मेल नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप इस मेल मर्जर में इस ईमेल कॉलम को डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको बताएंगे तो ये बताना शुरू हो जाएगा। ये अभी आए नहीं, जब सेंड करेंगे तो ये 3 घट जाएंगे, 2 मैंने पहले भेज रखे हैं। अब बात आती है यहाँ पे पीडीएफ फाइलों को अटैच करना, उसको अटैच कैसे करेंगे, वो अटैच करना ही गेम है। तो यहाँ पे आपको अटैच करने के लिए आपको इन 3 डॉट पे जाना है। यहाँ ऑप्शन आएगा अटैच पर्सनल अटैचमेंट, ऐड पर्सनल अटैचमेंट में जैसे ही गए तो पहले आपको एक फोल्डर बताना पड़ेगा, तो सिलेक्ट करके आपको अपनी गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना है पहले मेल मर्जर के नाम से, जो मैंने पहले से बना रखा है, ये मेल मर्जर का फोल्डर है, इसको सिलेक्ट करना है। जो गूगल ड्राइव होती है वहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है, उसमें अपनी पीडीएफ फाइलें रख लेनी है, जितने बंदों को आपने भेजनी है उतनी। उसके बाद ये पूछेगा अटैचमेंट कॉलम कौन सा है, तो अटैचमेंट कॉलम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितने कॉलम इस शीट में है वो आगे, तो हमने अटैचमेंट वाला कॉलम लेना है और देन इसको सेव करना है। मगर उससे पहले यहाँ अटैचमेंट वाली फाइलें भी रखनी है, तो मैंने आपको बताया था कि हमने इसी मेल की ड्राइव में कुछ फाइलें रखी थी जो अटैच होके जाएंगी, तो वो हमें इसकी ड्राइव से मिलेंगी। ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना मेल मर्जर के नाम से, जिस भी नाम से, वो फाइल आपको सॉफ्टवेयर में अटैच करना है। यहाँ पे मेल मर्जर नाम से मैंने पहले फोल्डर बना रखा, उसमें फाइलें पड़ी हैं, देखिए HS PDF, इसको यहाँ से ये नेम कॉपी कर लेना है, गलती ना वैसे भी लिख सकते हो, पूरा नाम लेना है विद PDF तक, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। दूसरा नाम आपको पता है तो ऐसे लिख दीजिए HS2.PDF। तीसरी ईमेल गलत है तो इसकी मेल डालिए, चाहे लिख दीजिए HS2 वाली, इसको दोबारा भेज देते हैं। तो ये इस तरह से आपको लिखना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे और सेंड करेंगे तो ये सेंड करना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे सेंड करते हैं, ये देखिए, ये हो सकता है आपसे ऑथेंटिकेशन एक्सेस मांगे, ये ऑथेंटिकेशन एक्सेस देना है आपने, जो ईमेल आईडी से मेल सेंड होगी उसका ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे सॉफ्टवेयर। ऑथेंटिकेशन देते ही ये विद अटैचमेंट पूरा का पूरा डेटा आपको सेंड कर देगा, आपके क्लाइंट जितनी ईमेल आईडी है उनको सेंड कर देगा और रिपोर्ट आपको यही देगा सक्सेसफुली लॉगिन, मेरा पॉपअप को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेंड आ गया, सेंड लिखा हुआ, सेंड टाइम भी आ गया, डेट भी आ गया, ये देखिए ग्रीन हो गया, यानी कि ये चला गया है। और तीसरा नहीं जाएगा क्योंकि ये फेलियर आएगा, क्योंकि ये मेल आईडी ही नहीं, अगर शायद कोई ramkumar@gmail.com होगा उसको ये टेस्टिंग मेल चला गया है, यानी कि वो मेल थी किसी ना किसी का XYZ का, तो ये चला गया, बट वो मेरा नहीं है। अभी मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ, मैं जीमेल की आईडी खोलता हूँ मेरी, जो मेरी हेम सिंह वाली आईडी है उस पर दिखा देता हूँ आपको। ये तो मेरी इसी आईडी पर तो मैंने भेजा ही नहीं, मैं दूसरी आईडी अटैच करता हूँ यहाँ पे मेरी, या फिर मैं अपनी जो hemsingh@hemsingh.com है वो लेकर कोई भी ईमेल आईडी जो जिस पे अपन भेजा उस पर चेकिंग के लिए मैं, आप ये मेरी आईडी है जिस पे मैंने भेजा था hemsingh sirsa, तो इसके जीमेल में जाते हैं और देखते हैं अभी कोई
1 बज के आसपास कोई मेल आया विद अटैचमेंट, तो मेरी दोनों मेलें अटैच है तो वो दोनों शायद इस पे आ गई। ये देखिए 1 बज के 26 मिनट और 26 मिनट पे टेस्टिंग बल्किंग और ये मेल्स मेरे को मिली। ये मेरा मेल हेम सिंह, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। ये देखिए हेम सिंह भी लिखा आया है और ये यहाँ पे सब कुछ आ गया, मेल मर्जर टेस्टिंग एवरीथिंग, जो चीज़ें मैंने डाली है पीडीएफ फाइल थी ये आ गई, तो है ना बेटर। और मजे की बात ये है कि जब मैंने इसको ओपन कर लिया तो शायद ये अपने सॉफ्टवेयर में स्टेटस भी इसका दिखाता है, कभी कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता, तो देख लेते हैं स्टेटस दिखा पा रहा है कि सेंड का आ रहा है, जैसे सेंड आ रहा है यहाँ ओपन भी लिखाता है, ये जो सेंड आइटम लिखा रहा है यहाँ स्टेटस आएगा कि इस वाली आईडी ने इसको मेल को ओपन करके देख लिया, शायद किसी बिजी के वजह से दिखा। पर हमारा टास्क पूरा इसने कर दिया है, जो हमारा काम था वो इसने कम्प्लीटली पूरा कर दिया है बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी रुकावट के। ये पीडीएफ फाइल थी वो इसने सेंड कर दिया, इतने हमारा काम प्रॉपर ढंग से कर दिया है, प्रॉपर ढंग से हम दिखा चुके हैं बिना किसी आपत्ति के। मर्गो मेज ऐप ने ये देखिए ये स्टेटस भी आ गया बीच वाली का, hemsingh@hemsingh.com ने इसको ओपन कर लिया, देखिए स्टेटस आ गया ओपन हो गया। ऐसे स्टेटस भी बताएगा किसने ओपन किया पीडीएफ को किसने नहीं किया, एवरीथिंग आपको इस जगह स्टेटस आएगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि HSTech पर आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस और भी मिल सके। अगर आप यूट्यूब पर जाके हेमसिंह सिरसा, वैसे भी आप ये वीडियो इसी चैनल पर देख रहे हैं, हेमसिंह सिरसा को फाइंड करेंगे तो ये मेरा चैनल आ जाएगा, ये मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो जिस पर और भी पड़ी है आप उन सभी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, देखिए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड